जल्दी फ्लिप करना शुरू करेंगे, आपको स्टोरी समझ आने लगेगी, स्टोरी आपको समझ आने लगेगी। फ्लिप करना शुरू करिए, सभी लोग फ्लिप करना शुरू करिए। फ्लिप करते रहेंगे आप, आईज क्लोज रहेगी, पूरा कंसंट्रेशन आपका बुक के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन हो चुका है। अब आप फील करेंगे और फ्लिप करते रहेंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, सारी स्टोरीज आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, एज ए सीक्वेंस आपको सब कुछ क्रम से समझ आनी शुरू हो जाएगी। किसी को पूरी बुक समझ आ सकती है, सब कुछ सीक्वेंस से होगा। ठीक है, फ्लिप करते रहेंगे आप। मीटिंग में ये आप बताएंगे आपका क्या नाम है, आप कहाँ पढ़ते हैं, थोड़ा बताएंगे। सर मेरा नाम अखिल प्रताप सिंह है, मैं केपीएस में पढ़ता हूँ। कौन सा डे है आज आपका? फर्स्ट डे। फर्स्ट डे आपको कितनी स्टोरी आई है? थ्री स्टोरी, थोड़ा बताइए आप क्या है? सर फर्स्ट, सर एक सेकेंड स्टोरी में कहते हैं कि अगर सुंदर लिखावट, सुंदर लिखावट से ही अगर हमको समझ में नहीं आती तो उसमें बहुत बुरा हो सकता है। अगर सुंदर लिखावट हो, देखो ओपन करो थोड़ा, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ बताते जो सर, सुंदर लिखावट सर चैप्टर सेकंड है सर, उसमें कहा गया है कि अगर सुंदर लिखावट भी मैं पढ़ाई शिक्षा का एक अंक है, अगर लिखावट अच्छी नहीं होगी तो हमारे पढ़ाई शिक्षा भी उतनी अच्छी नहीं होगी। अगर लिखावट भी अच्छी हम लोग की बनानी चाहिए। ठीक है यही है, इन्होंने सही बताया सर। कितनी स्टोरी आई? थ्री स्टोरी आई थी। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप विष्णु आप बताएंगे कितनी स्टोरी आई आपको? फोर स्टोरी। सर ये थर्ड नंबर बताइए क्या है सर, माइक पकड़िए और बताइए क्या है, आप इसको देखेंगे सही बता रहा है गलत बता रहा है। सर थर्ड स्टोरी में क्या है कि असुरों और असुरों में एक वॉर युद्ध हो गया था, जिसमें जो असुर थे वो थोड़ा सा ज़्यादा बलवान थे, तो जो भगवान लोग थे जैसे कि इंद्र जी लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि वृत्रासुर को कैसे मारें, तो उन्होंने कहा कि ऋषि दधीचि के पास जाइए, उनकी अस्थियों से आप एक हथियार बनाइए, उसी से वृत्रासुर मरेगा। तो फिर वो लोग ऋषि दधीचि के पास गए जो कि सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे, अपने वो हिरन के छाल में बैठ के वो अपने पैर में कोई तेल लगा रहे थे। तो सर जब वो पहुँचे तो ऋषि ने कहा कि हे देवराज इंद्र, मैं आपको अतिथि के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। तो इंद्र जी भी कहते हैं कि हमें भी आपके ये यश का सौरभ चाहिए था। फिर वो पूरी बात बताते हैं कि एक असुर वृत्रासुर, उसे मारना है हमें, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि हमें आपकी अस्थियां चाहिए। तो फिर ऋषि दधीचि कहते हैं कि नेकी में देरी कैसी, वो तो वैसे ही बैठ कर तब करते करते वहीं पे अपने देह त्याग कर देते हैं और अपनी अस्थियां उनको दे देते हैं। ये स्टोरी है, आपने जो भी एक्सप्लेन किया था, आप सेम क्लास के हैं? नो सर। ठीक है, ये स्टोरी वही है जो? यस सर। ठीक है इसको कभी पढ़ा था आपने? नो सर। ठीक है, तो आप कॉन्टेंट रीडिंग के थ्रू आप 10 मिनट में लगभग 4 चैप्टर, कितने चैप्टर पढ़े हैं सर? 4 चैप्टर। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, सारे चैप्टर को अगर मैं पूछूं तो ठीक इसी तरह आप एक्सप्लेन कर पाएंगे जैसे आपने किया अभी? ठीक, अब थोड़ा बताइए कैसे आप पढ़ पाए, थोड़ा बताइए। सर जब हम लोग आँख बंद करके लगाते हैं तो जो होती है वो हमारे माइंड में आके उसकी फोटो बनने लगती है, तो हम उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं फिर। आप अपना नाम बताएंगे और बताओ कितनी स्टोरी आपको आई है? सर मेरा नाम विनायक राज महेश है सर, मैं केपीएस में पढ़ता हूँ। सर मुझे 3 स्टोरीज आई है। यस सर। कैसे पढ़ पाए आप? सर फ्लिपिंग के द्वारा। फ्लिप के द्वारा? यस सर। बताइए क्या क्या? सर फर्स्ट चैप्टर सर मिस्टीरियस विजिटर फर्स्ट। सर इसमें एक कोई चीज़ रहती है जो घर में आती है, एक औरत के घर में आती है और वो वहीं पास रहती है, वो खोलती चाय पानी के लिए, उससे पूछती है तो वो कुछ नहीं बोलता है। सर पहले चैप्टर में सर यही है, सेकंड चैप्टर सर मिस्टीरियस विजिटर सर 2। फिर सर उसमें चिल्लाती है जब सर अचानक से हवा उड़ती है तो सर वो उड़ने लग जाता है हवा के कारण, फिर वो चिल्लाती है तो आसपास के कुछ लोग आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड आता है।
आसपास के लिए कुछ लोग आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड आता है, तो फिर वो उसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड गिर जाता है, तो वो उसको देखते हैं तो केवल और केवल कपड़ा रहता है, और उसके पास ना ही कोई सिर, ना ही कोई हाथ, ना ही कुछ भी था, वो केवल चश्मा था, हैट था और कुछ कपड़े थे। यही है और स्टोरी सही पढ़ रहे हैं? यस सर। यही स्टोरी है? यस सर। ठीक, इसको आपने कभी पढ़ा था क्या? नो सर, कभी नहीं पढ़ा था। ठीक है, आप अच्छे से अगर दूसरे चैप्टर को मैं पूछो तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर पाओगे? यस सर। कितने दिन हुआ आपको ट्रेनिंग करते हुए? सर सेकंड डे है। सेकंड डे है, बहुत अच्छा। इसके लिए क्लाइंबिंग करो एक बार। चलो कितना स्टोरी की है, हम पूछते हैं क्या है रिव्यू के। आपको कितनी स्टोरी आई? उसके बाद मुझे बाकी फोर स्टोरीज और एक पोयम आई है और वो पढ़ा ही नहीं। उसके अलावा जो आपने नहीं पढ़ा था, यस सर, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस सर, प्लीज एक्सप्लेन। सर एक स्टोरी है, उसका नाम एक स्टोरी होती है जिसका नेम होता है भोला राम का जीवन जीव। उसमें ये होता है कि एक इंसान होता है जिसका नाम होता है भोला राम, उसकी डेथ हो जाती है। वो तो जब क्या, जब चित्रगुप्त उसको लेने आते हैं उसके जीवन को, तो देखते हैं कि उसका जीवन है पर उसका जीव नहीं है। तो यमराज उसको गुस्सा करते हैं, तो नारद मुनि आते हैं और वापस धरती पे जाते हैं। तो वहाँ वो देखते हैं कि उसका घर बहुत ज़्यादा, वहाँ वो देखते हैं कि वो बहुत गरीब है और उसके उसके फैमिली में क्या कहते हैं ज़्यादा लोग, उसके फैमिली में उसकी फैम उसकी उसकी वाइफ और कुछ उसके मतलब बच्चे होते हैं। वो एक सरकारी नौकर होता है, वो रिटायरिंग के बाद उसकी पेंशन नहीं मिलती है उसको। वो बहुत सारे एप्लीकेशन देता है क्लर्क के पास, बट क्लर्क उसको वो उसमें पेंडिंग में रख के छोड़ देता है। फिर वहाँ पे नारद मुनि जाते हैं तो उनको वहाँ पे बाहर एक वॉचमैन मिलता है। फिर वो वॉचमैन उनको बोलता है कि आप यहाँ जाइए, अंदर जाने पर वो जो वहाँ पे क्लर्क बैठा होता है वो बोलता है आप इससे बड़े क्लर्क के पास जाइए, वो उससे बोलता है कि इधर जाइए। वो बढ़ाते चले जाते हैं, वो ऊपर चला जाता है, जाता 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 है, जो सबसे जब वो सबसे जब वो सबसे बड़े अधिकारी के पास जाता है तो वो बोलता है कि अरे साहब, वो बोलता है कि अरे साहब अभी हम इसको बाद में देखते हैं, अभी आप जाइए, कुछ समय बाद हम इसको देखते हैं। और फिर वो नारद जी बोलते हैं कि भोले राम का जीव मुझे नहीं मिलेगा क्या? तो एक मतलब उसमें वो एक रखी रहती है एप्लीकेशन टाइप की फाइल, उसमें से भोले राम की आवाज़ आती है, किसने मुझे बुलाया, मैं तो यहाँ हूँ। इस स्टोरी में एक मॉरल होता है कि मतलब यहाँ पे वो ऐसे बहुत सारे वो होते हैं जो गरीब होते हैं लोग, और उनकी पेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जिस कारण वो लोग भूख से और बाकी सारी चीज़ों से उनकी डेथ हो जाती है। स्टोरी आपको कैसे समझ आ गई, थोड़ा सर? स्कैन करने से उसकी पिक्चर अपने आप माइंड में आने लगती है, वो अपने आप समझ आने लगती है। यस सर, एक टाइप से मूवी टाइप का समझ आता है। आप सेम क्लास के हैं? इसने स्टोरी सेम चीज पढ़ी? यस सर, वही स्टोरी है। यस सर, ठीक है। और पोयम कौन सी था, आप पोयम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस सर। पोयम क्या है? सब पोयम का नाम होता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसमें मतलब बताया जाता है कि उसमें मतलब पोयम की मुझे सर फर्स्ट या सेकंड लाइन याद है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डर कर कभी नौका पार नहीं होती। ये आपने कभी पढ़ा तो नहीं? नो सर। तो इसको इसकी समरी बताइए, क्या है इसमें? सर समरी में मतलब बताया जाता है कि मतलब हमें कभी भी कोशिश हमें हमेशा कोशिश करनी कोशिश करते रहने चाहिए, कभी भी हमको हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि अगर मान ली अगर हो सकता है कि हमारे एक और ट्राई से हमको नेक्स्ट टाइम सक्सेस मिल जाए। स्टोरी की समरी यही होती है, पोयम की सर एक सेकेंड। यस सर, इसमें एक लड़का बोट चला रहा होता है, दो इमेजेस होती हैं, पहले में एक लड़का बोट चलाता है पानी में और दूसरे में एक लड़का तैर रहा होता है। और इसका राइटर बता सकते हैं कौन? नो सर, इतना समझ नहीं आया क्लियर। ठीक है, आपने अगर आपसे सारी स्टोरी पूछा जाए तो आप सब कुछ बता पाएंगे, इसी तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे? यस सर, मुझे जितनी और आई मैं उनको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सेम चीज सेम तरीके। यस सर। ठीक है, आपको आपने इसको कितना देर तक फ्लिप किया होगा? 7 to 8 मिनट। सर फ्लिप नहीं किया मैंने, स्कैन किया था 10 मिनट। यस सर। यस सर। हाँ
हाँ, तो आपको पूरी स्टोरी जितना है कि अगर आप 10 से 15 मिनट आप इसकी और प्रैक्टिस कर लो कुछ दिन, यस सर, 10 मिनट में पूरी बुक्स को पढ़ सकते हैं। ओके सर। अब आप ये कह सकते हैं कि नहीं 10 मिनट की अगर थोड़ी सी थोड़े दिन और प्रैक्टिस करने के बाद आप 10 मिनट में पूरी किताब पढ़ सकते हैं, पूरी बुक्स? यस सर, श्योर सर। अभी yes, आपने 5-7 मिनट किया तो आपको इसमें से लगभग हाफ स्टोरी आ गई। यस सर। ठीक, बहुत अच्छे, इन्होंने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया। ठीक है, इन्होंने सही बोला है सब? यस सर, सही बोला है। थैंक यू। आप अपना नाम बताएंगे और बताओ कितनी स्टोरी आपको आई है? सर, मेरा नाम विनायक राज महेश है सर, मैं KPS में पढ़ता हूँ सर। मुझे 3 स्टोरीज आई है। क्वांटम रीडिंग थ्रू? यस सर। कैसे पढ़ पाए आप? सर, फ्लिपिंग के द्वारा। फ्लिप के द्वारा? यस सर। बताइए क्या क्या? सर, फर्स्ट चैप्टर सर मिस्टीरियस विजिटर फर्स्ट। सर, इसमें एक कोई चीज़ रहती है जो घर में आती है, एक औरत के घर में आती है और वो वहीं पास रहती है। वो खोलती है चाय पानी के लिए, उससे पूछती है तो वो कुछ नहीं बोलता है। सर, पहले चैप्टर में सर यही है। सेकंड चैप्टर सर मिस्टीरियस विजिटर सर 2। फिर सर उसमें चिल्लाती है जब सर अचानक से हवा उड़ती है तो सर वो उड़ते लग जाता है हवा के कारण। फिर वो चिल्लाती है तो आसपास के सर कुछ लोग आते हैं, आसपास के कुछ लोग आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड आता है। आसपास के लिए कुछ लोग आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड आता है तो फिर वो उसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड गिर जाता है तो वो वो देखते हैं तो केवल और केवल कपड़ा रहता है और उसके पास ना ही कोई सिर, ना ही कोई हाथ, ना ही कुछ भी था। वो केवल चश्मा था, हैट था और कुछ कपड़े थे। दिखा दो एक बार। यही था मिस्टीरियस 2। एक बार अच्छे से दिखाऊं उनको। ठीक है, यही है। और स्टोरी सही पढ़ रहे हैं? यस सर। यही स्टोरी है? यस सर। ठीक, इसको आपने कभी पढ़ा था क्या? नो सर, कभी नहीं पढ़ा था। ठीक है, आप अच्छे से अगर दूसरे चैप्टर को मैं पूछूं तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर पाओगे? यस सर। कितने दिन हुए आपको ट्रेनिंग करते हुए? सर, सेकंड डे है। सेकंड डे है, बहुत अच्छा। इसके लिए क्लाइंबिंग करो एक बार। चलो, कितना है?